बड़ी खबर हाथरस से सामने आई है, जहां जनपद हाथरस में पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बावजूद हाथरस शहर में हो रहा है सट्टे का अवैध कारोबार। जनपद हाथरस में फिर से शुरू हुआ सट्टे का अवैध कारोबार। आखिर सट्टे माफियाओं को किसका संरक्षण मिला हुआ है, किसके इशारों पर हो रहा है सट्टे का काला कारोबार। जनपद हाथरस में लगभग एक दर्जन से अधिक गाँव में चल रहा है सट्टे का अवैध कारोबार। नई पीढ़ी के युवाओं पर पड़ रहा है सट्टे का असर। बताया जा रहा है कि हाथरस के सट्टा माफिया द्वारा चलाया जा रहा है सट्टे का काला कारोबार। ताजा मामला रुहेरी का बताया जा रहा है, जहां पत्रा नाम के युवक द्वारा सट्टे का काला कारोबार किया जा रहा है।